भक्तों, आखिर धनतेरस वाले दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कुबेर महाराज अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर बनाए रखें। तो दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना चांदी गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती है, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में अभी हम समर्थ नहीं है। तो क्या करें भक्तों, हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं है तो वह कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कार्य चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सकती है। तो क्या है ये चीजें, हम आपको बताते हैं। साथ ही दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा फल है जो भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को कभी भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, डॉट कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है कि इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मनने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन धान्य, अन्न और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के दो दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा, धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज खरीद कर भी भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीजें घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। नंबर एक, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, नंबर दो, हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती है। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। आइए दोस्तों, नंबर तीन, धनतेरस के दिन लक्ष्मीचरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मीचरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के दो चरण यानी दो जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों, नंबर चार, दोस्तों घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित है। घर में वास्तु देव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है। अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, नंबर पांच, मिट्टी का घड़ा। इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद करके लाया जाए।
फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को घर के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे रखकर देखिए, यह जल बाकी के जल की तुलना में यह ज्यादा मधुर होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगेगा है। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत होता है, इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निधन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली न रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भर के रखें और केवल उत्तर दिशा में रखें। दोस्तों, नंबर 6, साबुत धनिया के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। आप दीपावली के बाद इस धनिये को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धनिया को भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। जैसे जैसे ही आप इस हरे धनिये को खाएंगे, उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रखें कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, दोस्तों सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं है वह कमल गट्टे। ये सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन मूल्यवान शुभ फल देंगे। केवल 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। माँ को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमाल का बीज अर्थात कमल गट्टा। यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, भक्तों, नंबर 8, खील बताशे। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे से अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए खील चढ़ाने चाहिए, पुराने खील बताशे कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपए का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती थी। खास तौर से धनतेरस के दिन में घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से भी विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास होता है। नंबर 10, झाड़ू। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, हमारे घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीद कर घर लाएं तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, नंबर 11 है लक्ष्मी गणेश मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 12 है हल्दी। दोस्तों, अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसी को रेवड़ी कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नंबर 13, मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्षा का आह्वान माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है।
मंडूक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे सक्षम माना जाता है। इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। कहते हैं तीन टांगों वाला मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार तीन टांगों वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है दोस्तों। नंबर 14, दोस्तों इस धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख संकल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का अभ्यास में एक उपाय है, वो है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती। दोस्तों सबसे जरूरी बात, दीपावली, यह धनतेरस के दिन आपको 2 कोड़ी अवश्य लानी चाहिए और अपने पूजा स्थान पर रखनी चाहिए। भक्तों यह थी वह चीज है जिनको धनतेरस पर लाने से शुभ रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। लेकिन इसी के साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हमें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं आखिर कौन सी हैं वो चीजें हैं। भक्तों धनतेरस में आप लोहे की चीजें भूलकर भी ना खरीदें क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई चीजों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। दोस्तों अब आपको यह भी बता देते हैं कि धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी क्या चीज है जो भगवान को अर्पित करने के बाद खुद जरूर खा लेनी चाहिए। दोस्तों धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए, जैसे कि आप अपने मन के अनुसार से सीताफल, केला, अमरूद, सिंघाड़े जैसे आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं। पर भगवान धनवंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। आइए हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों गन्ना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली और धनतेरस पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। साथ ही धर्म शास्त्र के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद स्वरूप में दूर्वा घास अवश्य लें और पूरे परिवार को भी खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। इसके अलावा जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित कर देता है तो उसकी कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं, उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को खीर अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप में जरूर खा लेना चाहिए, इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन ऐश्वर्य धन संपदा उसके जीवन में हमेशा वास करती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीजें घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़े, पीले चावल व साथ ही पीला हलवा, पीली भोजन सामग्री अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग स्वर्ण जैसा माना जाता है और भगवान धनवंतरी को पीले रंग प्रिय भी होता है। इसीलिए इस दिन पीली चीजें अवश्य खाना चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए ताकि पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित हो और माता लक्ष्मी भी आपके घर में पूर्ण रूप से अपना आवास बना ले। तो दोस्तों इस दीपावली पर इनमें से जो भी चीज संभव हो घर में अवश्य लाना चाहिए।
दोस्तों आप जानते हैं उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। ये उपाय आपको खास धनतेरस पर करना है दोस्तों। अक्षत का उपयोग यानी चावल शुभ माना जाता है, इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेना है और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें, श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मीये नमः दोस्तों। और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं, ये उपाय आपको जल्द से जल्द महाधनी बना देगा और यह बात आपको राधा कृष्ण कॉपी पर लिख कर दे सकता है। धनतेरस पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और यह पोटली आप जहां भी रखेंगे वहां पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें या फिर इसे आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है यह जो आपने पोटली बनाई है चावलों की माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन बड़ी ही तेजी से आकर्षित होता है। दोस्तों ये 11 अक्षत का उपाय आपको धनतेरस की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना है। रोली सभी के घर मिल जाती है, चावल भी बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का सबसे छोटा सिक्का रुपये का मिल जाता है। इसीलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए तथा धन की प्राप्ति के लिए अक्षत का उपाय अवश्य करें, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है, इससे माता रानी प्रसन्न होती है और यह चावल जागृत हो जाते हैं। इस पर माता लक्ष्मी विश्राम करती है, वास करती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।